नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक क्या होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक किसे कहा जाता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक के बारे में किन किन विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं। आप सब जानते बच्चों, सामान्य बालकों का जो औसत है 90 से 110 वाले जो बालक होते हैं वो सामान्य बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सामान्य बालक कहलाते हैं। ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है वो सामान्य बालक कहलाते हैं। अब इसके नीचे और इससे ऊपर वाले जो बालक है बच्चों, उनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। हम जो समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं बच्चों, समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को एक ही कक्षा, एक ही विद्यालय में एक साथ अध्ययन करवाना। लेकिन अगर एक साथ अगर हम अध्ययन करवाते हैं बच्चों, तो इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करनी पड़ेगी। पहचान करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में कौन कौन आते हैं, वे बच्चे कौन कौन से क्रियाकलाप ऐसे करते हैं कि एक शिक्षक उनको देखकर ये पता कर सके कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है बच्चों कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है उनके बाद क्या होते हैं, जिन ऐसे बच्चे जिनको विशिष्ट शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता होती है, विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है, विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है, विशेष तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, विशेष खेल के मैदान, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, वो बालक बच्चों विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक माने जाते हैं। अब बात आती है कि डीबर्ट ने कहा क्या कहा। डीबर्ट कहते हैं कि सीखने में जिसको कठिनाई का अनुभव हो, जिसको सीखने में दिक्कत आ रही है, वो बच्चा विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक कहलाएगा। मानसिक शैक्षिक निष्पादन शून्य व उच्च होता है, उच्च और शून्य दोनों होते हैं। आप जानते हो कई बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। सामान्य बालकों से उच्च श्रेणी के जो प्रतिभाशाली बालक है उनका मानसिक और शैक्षिक निष्पादन उच्च होता है, जबकि मंद बुद्धि बालकों का शून्य होता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का मानसिक और शैक्षिक निष्पादन या तो शून्य होगा या उच्च होगा, जिसमें व्यवहारिक, संवेगात्मक और सामाजिक समस्या होती है। ऐसे बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। दोबारा देखो, डीबर्ट कहते हैं सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा मानसिक शैक्षिक निष्पादन उच्च या शून्य होता है, जिनमें व्यवहारिक, संवेगात्मक और सामाजिक समस्या होती है। संवेगात्मक का मतलब समझ ही गए, गुस्से, डरपोक, क्रोध, ये सब क्या है? संवेगात्मक रूप से जल्दी से स्कूल से भाग जाते हैं कई बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। कई बच्चे अगर जो प्रतिभाशाली है, अगर उनको अच्छा डायरेक्शन नहीं दिया जाता है तो वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और अपनी प्रतिभा और योग्यता का क्या नहीं कर पाते हैं, विकास नहीं कर पाते हैं। तो डीबर्ट की परिभाषा समझ में आई। फिर आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि उन गुणों से युक्त व्यक्ति जो साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो, सामान्य बालक अपना किसी का भी ध्यान, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो किसी के ऊपर भी, शिक्षक के ऊपर भी ध्यान आकर्षित नहीं करते। लेकिन जो गुस्से वाले बच्चे होते हैं, चिड़चिड़े बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, ये सब जो बच्चे हैं टीचर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ ऐसा क्रियाकलाप करते हैं कि उन गुणों से युक्त व्यक्ति
जो साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। जिनका व्यवहार देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है, ऐसे बालकों को हम विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्रिक के अनुसार। क्रिक क्या कहता है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक गुणों से सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। शारीरिक अक्षमता से युक्त हो सकता है। सामाजिक गुणों में कई बच्चे नेतृत्व, अब सारे आप सब जानते हैं कि हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनकी नेतृत्व क्षमता और संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा है। तभी तो उनकी कोरोना के काल में जब उन्होंने पूरे देश की जनता को एक संदेश दिया और पूरे देश की जनता ने उसका पालन किया, क्यों? क्योंकि उनमें लीडरशिप का गुण है, उनमें बोलने का गुण है, उनको अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने का गुण है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि शारीरिक और सामाजिक गुणों से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। देखो बच्चों, जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे हैं वो ही आगे जाते हैं, वो ही समाज में कुछ अलग कर पाते हैं। आपको पता है रूजवेल्ट साहब का, अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट देख लीजिए, इसके अलावा आप सूरदास जी का उदाहरण देख लीजिए, मिल्टन का उदाहरण देख लीजिए। मिल्टन ने अंधे होने के बाद एस्ट्रोलॉजी लिख दी, सूरदास जी अंधे होने के बाद में कृष्ण लीला सूर सागर जो नामक जो ग्रंथ है जिसमें कृष्ण लीला का उल्लेख है उसका वर्णन कर डाला। तो कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाला होने के बावजूद भी इस समाज में अलग करके दिखाया, सामान्य बालक से अलग करके दिखाया बच्चों, तो वो होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। सूरदास जी, मिल्टन, अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ये कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिक। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक गुणों से सामान्य बच्चों से जो बच्चे भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कौन से बालक? वो बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो है उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चार भागों में बांटा जा सकता है, शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक और सामाजिक। ये चार टाइप से हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को चार भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक और सामाजिक। सांवेगिक, गतिक और बहुलवादी। शारीरिक में तीन आते हैं, सांवेगिक, गतिक और बहुलवादी। वैसे शारीरिक को हम चार भागों में ऐसे भी बांट सकते हैं बच्चों, दृष्टिबाधित, ये जो गतिक है उसके आधार पर, अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित हो गया, अस्थिबाधित हो गया, स्वर्ण बाधित और वाक बाधित। ये चार टाइप से इनको बांट सकते हैं, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, स्वर्णबाधित और वाक बाधित। ये चार प्रकार हैं किसके? शारीरिक विकलांगता के प्रकार है ये, जिनको विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सांवेगिक रूप से शारीरिक में आपको पता है कई बच्चे को डर बहुत लगता है, कई बच्चे प्लायिंग प्रवृत्ति रखते हैं, कईयों में भय होता है, कईयों में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, कई बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, कईयों में सामाजिक कौशल अच्छा होता है, तो ये सांवेगिक है। गतिक का मतलब है जो जिनका शारीरिक विकास जो है बहुत तेज होता है, और जिन बच्चों का शारीरिक विकास बहुत ज्यादा धीरे होता है वो गतिक में आते हैं। बहुलवादित का मतलब है कि जिसमें बहुत सारी बहुआयामी विकलांगताएं होती है वो बहुलवादित होता है, बहुआयामी विकलांगताएं। वो जो बालक होता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक जो बालक है उनमें कौन कौन से आते हैं? तीन प्रकार आते हैं, सांवेगिक, गतिक
और बहुल बाधित। सांवेदिक में गुस्से वाले, प्लान करने वाले, भय जिनमें होता है, उत्सुकता ज्यादा होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, कई बच्चे जल्दी डर जाते हैं, कई बच्चे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ये सब जो भावनाएं हैं वो सांवेगिक बालक होते हैं। अस्थिर होते हैं जिनके संवेग, संवेग बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं, बदलते रहते हैं जिनके संवेग, वो सांवेगिक अस्थिरता वाले बालक होते हैं। गतिक, गतिक का मतलब यहाँ पर है विकासात्मक प्रक्रिया। विकास आपने पढ़ा भी था बच्चों, मैंने बताया भी था कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य के अंतर्गत या बालक के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक, उनकी विकास, उनकी जो एक कर्मोत्तर प्रक्रिया है उसी को हम विकास कहते हैं। विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। वह विकास पर वंशानुगत और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक विकलांगता में मैंने आपको दिखाया गतिक। गतिक का मतलब आप जानते हो बच्चों कि शैशवावस्था में बालक का विकास अलग होता है, बाल्यावस्था में बालक का विकास अलग होता है, किशोरावस्था में बालक का विकास अलग होता है, प्रौढ़ावस्था में अलग होता है। तो सामान्य बालक का हमें पता है 3 माह में गर्दन टेकने लग जाता है, 9 माह में बच्चा उठने की कोशिश करता है, 1.5 माह में बच्चा चलने की कोशिश करता है, 2.5 महीने का बच्चा जो है उच्चारण करने लग जाता है। तो ये जो गतिक है, लेकिन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे देरी से बोलते हैं, कई बच्चे देरी से सुनने लगते हैं, कई बच्चे मतलब बहुत समय तक 3-4 साल तक बच्चा उठ नहीं पाते हैं, तो ये बच्चे जो होते हैं बच्चों, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत आते हैं। बहुल बाधित में आप विकलांग बालक मान सकते हो, जिनमें दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, स्वर्ण बाधित, वाक बाधित, सेरेब्रम पॉल्सी, ऑटिज्म आदि कई प्रकार की जो विकलांगताएं होती है बच्चों, वो आपकी शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आती है। फिर आता है बच्चों शैक्षिक बालक। शैक्षिक आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से हैं, उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है समृद्ध बालक। ऐसे बालक जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, ऐसे बालक जो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वो समृद्ध बालक होते हैं। पिछड़े बालक, जिनको समृद्ध बालक वो भी हो सकते हैं जिनको शिक्षण सुविधाएं, विद्यालय सुविधाएं, विद्यालय का खर्च उठाने की उनकी माता पिता की बहुत अच्छी क्षमताएं होती है, ये सब समृद्ध बालक है। पिछड़े बालक यहाँ पर वो बालक है जो SC ST OBC श्रमिक और जो भी घुमंतु आपकी पिछड़े बालक में आप मान सकते हो, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होने के कारण या अपने पाठ्यक्रम में पिछड़ जाने के कारण पीछे रह जाते हैं, वो बालक पिछड़े बालकों के अंतर्गत आते हैं, जो पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं रह पाते। जैसे 3 और 4 साल का जो बच्चा है वो अगर 1 या 1.5 साल के बच्चे की एक्टिविटी करता है, या आप समझ सकते हैं बच्चों कि 8th क्लास का बच्चा 7th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बालक पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ चुका है। यहाँ समृद्ध बालक का मतलब समझते हो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, जिनको हर सुविधाएं मिल रही है। सीखने की निर्योग्यता, कई बार आप जानते हो बच्चों कि बच्चे का ध्यान नहीं होता, शिक्षक का जो पढ़ाना है उसको पसंद नहीं आ रहा है, टीचर ही उसको पसंद नहीं आ रहे हैं, टीचर के द्वारा जो टेक्निक यूज की जा रही है वो उसको पसंद नहीं आ रही है, वो सीखने में क्या नहीं ले रहा, रुचि और अभिव्यक्ति का विकास ही नहीं कर पा रहा है, या जो टीचर बता रहा है वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, उसकी इतना मानसिक बुद्धि ही नहीं है कि वो उस चीज को समझ सके। आप बार बार उसको वो चीज समझा रहे हो लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा है, वो होते हैं सीखने की निर्योग्यता वाले बालक, कि जिनको बार बार किसी एक ही कार्य को समझाया जा रहा है लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो सीखने की निर्योग्यता वाले बालक कहलाते हैं। फिर कहलाते हैं बच्चों संप्रेषण बालक। संप्रेषण बाधित, जिनको वार्तालाप करने में हकलाहट होती है, वो टीचर को हर बात नहीं कर पाते हैं, आत्म केंद्रित बच्चे होते हैं, आत्मविमोही बच्चे होते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, जिनमें सामाजिक कौशल का विकास नहीं होता है, ऐसे बालकों को हम संप्रेषण बाधित बालकों के नाम से जाना जाते हैं। तो समृद्ध बालक, पिछड़े बालक, सीखने की निर्योग्यता वाले बालक, संप्रेषण बाधित
बालक। तो ये चार प्रकार है शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत। फिर आता है बच्चों मानसिक। मानसिक रूप से बच्चों को तीन भागों में बांट सकते हैं बच्चों, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और मंद बालक। प्रतिभाशाली बालक जिनका आईक्यू लेवल 110 से ऊपर होता है, सृजनात्मक बालक जिनका आईक्यू लेवल कम होता है लेकिन जिनमें रचनात्मक कौशल ज्यादा होता है। क्या होता है? रचनात्मक कौशल। आईक्यू लेवल कम होने के बाद में भी उनमें क्या होता है बच्चों? रचनात्मक कौशल ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है, अब एक आपने सुना होगा अभिसारी और एक होता है अपसारी। अपसारी और अभिसारी, तो जो अभिसारी जो चिंतन करते हैं वो प्रतिभाशाली बालक करते हैं, जबकि सृजनात्मक बालक कौन सा चिंतन करते हैं? सृजनात्मक चिंतन करते हैं। और हो सकता है कि वो समाज की जो रूढ़ियां हैं उनके खिलाफ हो, समाज और परिवार के विरुद्ध जाकर ये अपनी एक्टिविटी करते हैं। कौन से बालक? सृजनात्मक बालक। जबकि प्रतिभाशाली बालक जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है 110 से ऊपर होता है, ऐसे बालक जो अभिसारी चिंतन करते हैं, और सृजनात्मक बालक जिनका आईक्यू लेवल कम होने के बावजूद भी जिनमें रचनात्मक कौशल अच्छा होता है और अपसारी चिंतन करते हैं। चिंतन को हम दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन जो है जिनमें बुद्धि कौशल एक क्रमबद्ध रूप में जो चलता है, जिसमें रटने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वो है आपका प्रतिभाशाली बालक। जिनमें सीखने की कैपेसिटी अच्छी होती है वो बालक होते हैं बच्चों प्रतिभाशाली बालक। सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक वो होते हैं जो अपसारी चिंतन करते हैं, समाज के रीति रिवाजों के विरुद्ध जाकर अपने विचारों को प्रकट करने की जिनकी कैपेसिटी रखते हैं वो बच्चे होते हैं बच्चों सृजनात्मक। मंद बुद्धि बालक जिनका बौद्धिक चिंतन निम्न होता है, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, बार बार किसी चीज को समझाने के बाद में भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब है उसका आईक्यू लेवल क्या है बच्चों? कम है। तो मानसिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और मंद। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है सामाजिक आवश्यकता वाले बालक। सामाजिक आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको हम पांच भागों में बांट सकते हैं। सांवेगिक बालक, आप जानते हो कई बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कई बहिर्मुखी होते हैं, कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के इच्छुक नहीं होते हैं, कई बच्चे आत्मविमोही होते हैं, अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं, असमायोजित बच्चे, कई बच्चे असमायोजित समाज के साथ समायोजन नहीं पैदा कर पाते क्योंकि उनके अंदर हीन या कुंठा भावना, द्वंद, कई ऐसी चीजें आ जाती है जो उनको समायोजन करने में बाधा पैदा करती है। तो कई बच्चे असमाज, जैसे परीक्षा में बच्चा फेल हो जाता है तो वो विद्यालय इसलिए नहीं आ पाता कि बच्चे उसकी मजाक उड़ाएंगे, तो वो उस उन बच्चों के साथ अपना समायोजन स्थापित नहीं कर पाते, इस समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। फिर आता है बच्चों वंचित बालक। वंचित बालक वो है जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से क्या हो, पिछड़े हुए हो, वो बालक जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिली हो, जिनको समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है, जैसे आदिवासी घुमंतू जातियां है वहां पर आज भी विद्यालय की सुविधा नहीं है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण उनके माता पिता बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, ऐसे बच्चे कहलाते हैं बच्चों वंचित बालक। बाल अपराधी जो बचपन से ही चोरी, डकैती, गंदे व्यभिचार, ऐसी एक्टिविटी करते हैं वो कहलाते हैं बच्चों बाल अपराधी। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो स्कूल से पलायन कर जाते हैं, स्कूल का होमवर्क करके नहीं लाते, माता पिता से झूठ बोलते हैं, माता पिता से झूठ बोल करके और कहीं जाने जाते हैं, पलायन प्रवृत्ति जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, भय की भावना जिसमें ज्यादा होती है, वो बच्चे जो होते हैं बच्चों समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से हम पांच भागों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को बांट सकते हैं। पहला है सांवेगिक बालक, दूसरा है असमायोजित बालक, तीसरा है वंचित बालक, चौथा है बाल अपराधी बालक और पांचवा है समस्यात्मक बालक। तो हमने यहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के चार प्रकार देखे बच्चों, शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक में हमने तीन देखे, सांवेगिक, गतिक और बहुल बालक।
शैक्षिक क्रम में हमने चार देखे, समृद्ध बालक, पिछड़े बालक, सीखने की निर्योग्यता वाले बालक और संप्रेषण बाधित बालक। मानसिक में हमने तीन प्रकार देखे, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और मंद बुद्धि के बालक। फिर हमने सामाजिक में सांवेगिक बालक, असमायोजित बालक, वंचित बालक, बाल अपराधी बालक और समस्यात्मक बालकों के बारे में सुना। अब हम इन सब की क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे कि शारीरिक रूप से विकलांग, शारीरिक रूप से जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, उनको किस आधार पर समझेंगे, उनके लिए कौन कौन सी शैक्षिक क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी रणनीतियां अपनाएंगे ताकि इन दृष्टिबाधित, स्वर्ण बाधित, अस्थि बाधित, वाकवाणी बाधित, पिछड़े बालक, अपवंचित बालक, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालकों को विशेष सुविधाएं देकर इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को समावेशी बालकों के साथ अध्ययन करवाया जा सके। तो आज हमने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की तीन डेफिनेशन याद करी बच्चों, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। डीबर्ट सीखने की कठिनाई का अनुभव करता है, मानसिक शैक्षिक निष्पादन उच्च व शून्य होता है, जिनमें व्यवहारिक, संवेगात्मक और सामाजिक समस्या होती है, ऐसे बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा, उन गुणों से युक्त व्यक्ति जो साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है, ऐसे बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। तो पहली परिभाषा डीबर्ट की, दूसरी परिभाषा क्रो एंड क्रो की, तीसरी क्रिक ने कहा कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों से सामान्य बच्चों से जो भिन्न बच्चा होता है उसे ही हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक है उनका आईक्यू लेवल या तो 90 से कम होगा या 110 से ज्यादा होगा, मतलब मानसिक व शारीरिक रूप से वो और ज्यादा अच्छा होगा या मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम होगा। तो मानसिक व शारीरिक रूप से जो असक्षम बच्चा होगा उसको विशिष्ट नीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होते हैं, क्या क्या कमियां उन बालकों में रहती है, उनको हम अलग अलग तरीके से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डीबर्ट ने कहा सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्रो एंड क्रो ने कहा साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और व्यवहार की अनुक्रिया प्रभावित होती है, जबकि क्रिक ने कहा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों से सामान्य बच्चों से क्या होता है बच्चों, भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न होता है। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, चार भागों में बांटा जा सकता है, शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक और सामाजिक, इन चारों को भी हम और टाइप्स में बांटते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, वाकबाधित बच्चे किसको कहा जाता है, इनकी पहचान क्या होती है, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है और क्या क्या शैक्षिक नीतियां अपनाई जा सकती है ताकि इनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दृष्टिबाधित बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ ये आपके BSc, BEd सेकेंड ईयर, रीड, CTET सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के जो ये मैंने आपको बताया है इसको आप नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आप एक अपनी एक कॉपी बना लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान की, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और मैं बोर्ड पर इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा क्या पहुँचाए, फायदा पहुँचाए। तो आप चाहते हैं मैं रेनू वैद आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।